लक्ष्मीबाई वार्ड टेमर भीटा में अमृत जल योजना की पाइपलाइन बिछवाकर सड़क दुरुस्त कराना नगर निगम भूल गया। क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचकर अधिकारियों से मांग की है कि सड़क सुधार कार्य कराया जाए ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 20 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा, जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शासकीय योजनाओं से संबंधित रहीं। टेमर भीटा से आए लोगों ने शिकायत की है कि पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क अभी भी बदहाल है, उसे दुरुस्त कराया जाए। पाइपलाइन पीने की पाइपलाइन डाली गई थी, जिसके ऊपर मिट्टी डालने का कार्य अधूरा है पिछले 6 महीने से, जिसमें नगर निगम को सूचना दी जा चुकी है। एक बार ही 3-4 बार सूचना दी जा चुकी है और लिखित आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ उसमें जो गिट्टी कार्य हो शीघ्र अति शीघ्र पूरी किया। कहाँ से आप? रानी लक्ष्मीबाई टेमर भीटा। क्या नाम आपका? मेरा नाम ब्रजेश पटेल। ठीक। वहीं रांची से आई एक महिला ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत कराई गई मकान की बुकिंग कैंसिल नहीं कराई जा रही है और उन्हें भटकाया जा रहा है। इसी प्रकार कोविड के दौरान खाने के पैकेट सप्लाई करने वाले एक व्यापारी ने बताया कि भुगतान के लिए उसे परेशान किया जा रहा है। बोले क्या आप फॉर्म भर दीजिए और हमको मकान की जरूरत है। बोले कभी इनमें साहब से मिली तभी आपको काम होगा, तभी आपको मिलेगा। दोबारा हम आवेदन जमा किए हैं, ये हमारा पहला और दूसरा आवेदन भी दोनों लेके आए हैं। कोरोना प्रथम बार आया था तब मेरे यहाँ द्वारा जो भोजन वितरण किया था नगर निगम द्वारा, उसके लिए पैकेट्स की आपूर्ति की गई थी, परंतु जोन क्रमांक 14 के द्वारा, परंतु उसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। और मैं कम से कम साल भर से 50 चक्कर मेरे यहाँ लग चुके हैं, बस का कोई निराकरण नहीं हो रहा। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त महेश कुमार ने शिकायतकर्ताओं को जल्द निराकरण का भरोसा दिलाया है। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई आयुष्मान कार्ड योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ प्रदान करने के लिए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा उगरी क्षेत्र में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी की गई। संविधान गौरव दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा विवेकानंद मंडल में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। जाति मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि संविधान गौरव दिवस पर 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 6 दिसंबर तक निरंतर बनाए जा रहे हैं। आज सैकड़ों की तादाद में यहां पे फॉर्म भी जमा हुए हैं, कार्ड वगैरह भी बनते जा रहे हैं। शिविर में आए लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। द्वारा कर्मचारियों के लिए ई नॉमिनेशन की सुविधा शुरू की गई है। भविष्य निधि के क्षेत्रीय आयुक्त राकेश सहरावत ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होने की दशा में मृतक के परिजन ऑनलाइन क्लेम फाइल कर सकते हैं, उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। भविष्य निधि क्षेत्रीय आयुक्त राकेश सहरावत ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि ईपीएफओ अपने भविष्य निधि सदस्यों के लिए ई नॉमिनेशन की सुविधा लेकर आया है। इसमें कर्मचारी अपनी मृत्यु के बाद घर के सदस्यों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उसके लिए ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया अपना सकते हैं। ऑनलाइन इस प्रक्रिया के जरिए कुछ दस्तावेज अपलोड कर वो इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और इसका फायदा ये होगा कि किसी भी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को नियोक्ता के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो क्लेम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसमें जो ईपीएफ सदस्य हैं उन्हें अपने लॉगिन में जाकर, मेंबर लॉगिन में जाकर अपने डिटेल्स, अपना प्रोफाइल सबसे पहले सत्यापित करना होता है, उसके पश्चात उसको अपने परिवार के सदस्यों का विवरण उसमें डालना होता है और उनके आधार नंबर के साथ उसको लिंक करना होता है। आधार नंबर के साथ लिंक करने के पश्चात यदि उनके बैंक अकाउंट नंबर अवेलेबल हैं तो वो बैंक अकाउंट नंबर भी उनके दें और साथ में जो फोटोग्राफ है, इंडिविजुअल फोटोग्राफ, वो भी उसमें उसको अपलोड करने आवश्यक हैं। तो ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, बट इस प्रक्रिया के माध्यम से, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि नॉमिनेशन होने के पश्चात यदि किसी सदस्य की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो भविष्य निधि लाभों को लेने में, तो उसमें ये ई नॉमिनेशन बहुत बड़ी सहायता करेगा। ईपीएफओ का जो लक्ष्य है कि हमारे सदस्यों को निर्बाध सेवा प्रदान करना, उसी तरफ बढ़ते हुए हमने ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया को आरंभ किया है। मेरी सभी नियोक्ताओं से अपील है कि वो अपने यहाँ पे काम करने वाले सभी कर्मचारियों का ई नॉमिनेशन जल्द से जल्द पूरा करवाएं।
क्षेत्रीय आयुक्त ने बताया कि कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो ईपीएफओ द्वारा इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में एनसीसी कैडेट्स ने 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत और उस युद्ध में जाबाज सैनिकों के पराक्रम और शौर्य की गाथा को मंच पर पेश किया। उन्नीस सौ इकहत्तर में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में एनसीसी ग्रुप द्वारा विक्रम बत्रा ऑडिटोरियम में ब्रिगेडियर आर के छिकारा की मौजूदगी में कैडेट्स द्वारा विविध कार्यक्रमों के जरिए वीर सैनिकों के शौर्य गाथा को पेश किया गया और युवाओं को भारतीय सेना के देशभक्ति के जज्बे से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया गया। एज पार्ट ऑफ स्वर्णिम विजय वर्ष संस्कृतियों का महासंगम और विजय श्रृंखला का कार्यक्रम किया है। इसमें बेसिकली 16 दिसंबर को जो 71 की 50th एनिवर्सरी है उसको हम सेलिब्रेट किए हैं। साथ ही एनसीसी के बच्चों ने यहाँ पर कल्चरल शो प्रेजेंट किया है। जिले में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आने लगे हैं। मंगलवार को भी 5,227 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में से 2 नए केस मिले हैं। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने वाले एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया है। इसके अलावा 24 घंटे में कोरोना से एक भी व्यक्ति के मृत होने की पुष्टि नहीं हुई है। शहर की जनसमस्याओं को लेकर बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सफाई व्यवस्था चौपट है, सड़कें और जल वितरण व्यवस्था बदहाल है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने नगर निगम का घेराव करते हुए आरोप लगाया कि जनसुनवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। शहर की सफाई व्यवस्था चौपट है, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं और जल वितरण व्यवस्था की खामियां दूर नहीं की जा रही हैं, जिसकी वजह से कई गरीब बस्तियां परेशान हैं। कि यहां जनसुनवाई में हम लोग देखते हैं कि जनसुनवाई में ढेरों आवेदन लिए जाते हैं मगर केवल सत्ताधारी दलों के चमचों के काम होते हैं, बाकी नगर निगम पूरे रद्दी में डाल देता है। इसके अलावा जितने जोन कार्यालय में आवेदन जाते हैं समस्याओं को लेके, सारे आवेदन पे जो है कभी भी नगर निगम ने कोई गंभीरता से नहीं लिया है। इसलिए मजबूरी में आकर आज बहुजन समाज पार्टी ने इनके विरोध में यहाँ प्रदर्शन किया है। छोटे छोटे शहरों में तक हर जगह डिवाइडर बने हैं, रोटे बनी है, लेकिन जबलपुर शहर में ऐसी जगह है कि अभी विकास ही नहीं हुआ है। नगर निगम स्मार्ट सिटी के नाम से लूट रही है, लेकिन जो कोई भी कार्य ऐसे है दसों सालों से आज तक नहीं हो पा रहे हैं। साफ सफाई के नाम से पूरे जबलपुर में पैसा लिया जा रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम से कचरा उठाने के, लेकिन गाड़ियां नहीं पहुंच रही। ऐसी सारी समस्याओं को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने नगर निगम जोन अधिकारी को निवेदन किया है। विरोध प्रदर्शन के चलते नगर निगम मुख्यालय में देर तक गहमा गहमी मची रही। घरेलू गैस सिलेंडर में ऑटो में गैस रिफिलिंग करने वाले 2 आरोपियों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 10 सिलेंडर, एक इलेक्ट्रॉनिक टोल काटा, एक रिफिलिंग पंप सहित 4,200 रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। गोरखपुर पुलिस ने महानद्दा क्षेत्र में दबिश देकर अवैध रूप से ऑटो में घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिलिंग करने वाले सेंटर पर छापा मारकर 2 व्यक्तियों अरविंद गोटिया और अन्नू राय को गिरफ्तार किया है। वहीं एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया है जिसका नाम कुलदीप जाट बताया जा रहा है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर आरटीओ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आरटीओ संतोष पॉल एक ऑटो चालक को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि जैसे पुलिस को किसी को फंसाना रहता है तो वो कहीं से भी उसके पास चाकू रखा देती है और आर्म्स एक्ट में उसकी गिरफ्तारी करवा देते हैं। वैसे ही वो उस ऑटो चालक को दोबारा दिखाई देने पर उसकी गाड़ी में गांजा रखवा कर उसे फंसाने की बात कह रहे हैं।
क्या होता है कि पुलिस को किसी को मुजरिम बनाना होता है तो चक्कू खरीद एक दुकान से उठाता है तुम्हारी जेल में रख देगा और चौके सामने लगा देगा, तो हम भी 100 ग्राम लाने जाएंगे और तुम्हारी गाड़ी रख के तुम्हें जेल भेजा। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, हालांकि ये कब का है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं जब इस मामले में आरटीओ से जानकारी लेनी चाही गई तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कंचनपुर में रहने वाले एक परिवार के सदस्य असामाजिक तत्वों के द्वारा किए जाने वाले विवाद से हलाकान है। इसकी रिपोर्ट उनके द्वारा आधारताल थाने में की गई, लेकिन वहां से कोई कार्यवाही नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने एसपी से इसकी शिकायत की है। कंचनपुर में रहने वाले प्रहलाद पटेल और उनके परिवार के सदस्य एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायत पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि वह उनके मोहल्ले में असामाजिक तत्वों के द्वारा किए जा रहे अनावश्यक विवाद से त्रस्त हैं। इसकी शिकायत उन्होंने आधारताल थाने में की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित पक्ष ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। गैंगस्टर विजय यादव और उसके साथी समीर के एनकाउंटर की अब सीबीआई जांच की जाएगी, इसकी सिफारिश राज्य सरकार ने कर दी है। दोनों बदमाशों के परिजनों द्वारा इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की जा रही थी और इस पूरे मामले में तत्कालीन एएसपी राजेश तिवारी और स्वातला थाना क्षेत्र के टीआई प्रभात शुक्ला की भूमिका को भी संदिग्ध बताया गया था। 19 अगस्त 2019 को हुए एनकाउंटर में मारे गए दोनों आरोपी कांग्रेस नेता राजू मिश्रा गैंगस्टर कक्कू पंजाबी हत्याकांड में फरारी काट रहे थे। इस एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच हुई, लेकिन गृह विभाग की जांच में पाया गया कि पुलिस की थ्योरी में कोई खामियां हैं, लिहाजा इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। परासिया में सोमवार को सरपंच के भाई की गर्दन काटकर हत्या किए जाने के बाद से ही पुलिस द्वारा कटी हुई गर्दन की तलाश की जा रही थी और आखिरकार 24 घंटे के बाद पुलिस को मृतक का कटा हुआ सिर घटनास्थल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर झाड़ियों में मिला है। हालांकि पुलिस के हाथ कातिल के गिरेबा तक अभी नहीं पहुंचे हैं। सोमवार को परासिया में हुए हत्याकांड के 24 घंटे बाद मृतक की कटी हुई गर्दन ढूंढने में पुलिस को सफलता मिल गई है। बताया जा रहा है कि गया प्रसाद का कटा हुआ सिर घटनास्थल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर झाड़ियों में पाया गया। पुलिस के द्वारा कटे हुए सिर को भी जांच के लिए भेजा गया है। हालांकि आरोपी के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कटंगा कपूर क्रॉसिंग के समीप एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक के चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए कार सहित बाइक सवारों को टक्कर मार दी और भागने लगा। हालांकि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त कर लिया है। कटंगा क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक के चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए कार और बाइक सवारों को टक्कर मार दी। कार और मोटरसाइकिल सवारों ने ट्रक चालक का पीछा किया और पुलिस की मदद से उसे रोक लिया। उन्होंने बताया कि ट्रक चालक रांची की ओर से तेज रफ्तार से आ रहा था और वहां पर भी कई वाहन चालक बाल बाल बच गए। ट्रक ने पीछे से आके हम लोग को टक्कर मारी, हम लोग आगे जाके उस गाड़ी में लगे। जब हम लोग इसको रोकने लगे ना, आर्मी वालों की गाड़ी थी सामने हम लोगों के, तो उन लोग ने भी उनका पीछा किया। जो लड़का हम लोग नंबर देखने के लिए गाड़ी के ऊपर जा रहा था, उसकी बाइक को भी टक्कर मारता हुआ ये उसके ऊपर चढ़ता हुआ आगे भाग गया। कितनी गाड़ी को उसने ऐसे टक्कर? 3। जो ट्रक वाला अच्छी स्पीड में आया, वो कार वाला इधर से जा रहा था, उसको बहुत जम से उनने टक्कर मार दी और रांझी से भिड़ते हुए आया। पिया हुआ था सर, वो बहुत पिए में, हम लोग की गाड़ी भिड़ते हुए आगे से आया। 3-4 लोगों? हाँ, 3-4 लोगों की गाड़ी भिड़ते हुए आया है अभी आगे से। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को भी जब्त कर लिया है। स्मैक की तस्करी में लिप्त आरोपी को सेठी नगर क्षेत्र से गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1,60,000 रुपए की 16 ग्राम स्मैक और 78,100 रुपए जब्त किए हैं। गोरखपुर पुलिस ने सेठी नगर MGM स्कूल के पीछे मैदान में स्मैक बेचने की फिराक में खड़े बड़कू सोनकर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अर्चना नागर ने बताया कि उसके पास से 16 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत 1,60,000 रुपए है। वहीं नगद रुपए भी जब्त हुए हैं। तो पुलिस ने उसको दबिश दी, पकड़ा और उसको जब तलाशी वगैरह ली तो उसको पॉलीथीन में 16 ग्राम स्मैक और 78,100 रुपए बरामद हुए हैं। और उसमें पुलिस ने उसको कार्रवाई की है। बड़कू सोनकर का 2019 में एक बार
NSA वगैरह हो चुका है, उसके ऊपर को 28 से 30 मामले दर्ज हैं और काफ़ी क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पुलिस के अनुसार बड़कू आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके विरुद्ध 28 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। हाल ही में पकड़े गए चैन स्नेचरों से हुई पूछताछ में ग्वारीघाट क्षेत्र में एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीनने की घटना भी आरोपियों ने कबूली है। गोरखपुर पुलिस ने मंगलसूत्र बरामद कर लिया है। हवाबाग और रसल चौक क्षेत्र में महिलाओं के गले से चैन खींचने वाले दोनों आरोपी अमन मोनिश और राहुल से पूछताछ की गई तो उन्होंने ग्वारीघाट क्षेत्र में भी एक महिला का मंगलसूत्र छीनना कबूल किया, जिसके बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर मंगलसूत्र बरामद कर लिया है। हालांकि इस वारदात को केवल अमन ने ही अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक अमन का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। आगे पूछताछ पे इन्होंने ग्वारीघाट में मंगलसूत्र एक महिला के गले में से छीना था, उसको इन्होंने कबूल किया और पुलिस ने मंगलसूत्र बरामद भी कर लिया है। मंगलसूत्र खींचने में एक ही लड़का था, अमन उर्फ काले खां। अमन का काफ़ी पुराना रिकॉर्ड है। अमन पहले गांजे में भी बंद हो चुका है, हैदराबाद में। यहाँ पर उसने कैंट थाने के अंतर्गत सोना चोरी किया था 2015-16 में, उस चोरी में भी पकड़ा चुका है। इसके बाद ये हैदराबाद में NDPS में पकड़ाया, अभी वहां से छूटने के बाद फिर जेल से ये करीब 5-6 महीने पहले ही छूटा है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।